साथ ही साथ आंगनवाड़ी और इस अस्पताल से अनेक तरह की योजनाएं चल रही हैं। इनका बच्चा पढ़ता है जिसे 1000 रुपया लिया, विद्यालय संचालन समिति बनाया, स्ट्रीट लाइट 50 एकड़ दीजिए, जमीन लगवा देते हैं, 3 दिन में इसको शुरू करें। 37 पंचायत में शुरू हो गया, आपके पंचायत में नहीं शुरू। स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति, वो भी आपने नहीं किया अभी तक। हमको बुलाने से सब लोग आपको अच्छा नहीं समझेगा, मुखिया जी ही हमसे डिमांड कर रहे हैं करीब 500 आंगनबाड़ी सेंटर बनवाने का। इस महीने या अगले महीने से फंड प्राप्त होते ही यहाँ पे हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर बनवा देंगे। जमीन अभी जस्ट हमको लगता है कितने दिन पहले मिला है जमीन, 1 महीना पहले मिला, तो फंड आ जाएगा, आंगनबाड़ी सेंटर बनवा देंगे। इसी पंचायत में नहीं, सभी पंचायतों में हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर बनवाना है। करीब 500 आंगनबाड़ी सेंटर बनवाने का हम लोगों ने जिले में लक्ष्य रखा है। आंगनबाड़ी सेंटर की भवनों की स्थिति इस जिले में अच्छी नहीं है, मैक्सिमम आंगनबाड़ी सेंटर रेंट पे चल रहा है, उन सभी को हम लोग अपने भवन में करवाने जा रहे हैं। मुखिया जी ही हमसे डिमांड कर रहे हैं, हम मुखिया जी से डिमांड करते हैं और ये हमको लिख रहे हैं कि ग्राम पंचायत करड़िया पश्चिम में पार्क का निर्माण। बताइए कितना बार हमने आप लोग कहा कि हम लोग गांव में जा रहे हैं, हम लोग पंचायत में जा रहे हैं, लोगों से डिमांड कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सर अब पानी मिल गया, सड़क हो गया, बिजली आ रही है, राशन मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। दो चीज लोग कहते हैं, तीन चीज। बच्चे कहते हैं खेलने के लिए फील्ड, बुजुर्ग और महिलाएं कहती हैं कि पार्क बन जाए, और कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं सर मच्छर काटता है, इसका भी इंतजाम करा दिया जाए। यही 3-4 समस्या गांव से मिलता है हम लोग, तो इसको आप ही को बनवाना है, जो शुरू कराइए, सब मिलता है, बाकी पंचायत में कैसे बन रहा है, तो आप पिछड़ रहे हैं। हमको बुलाने से सब लोग आपको अच्छा नहीं समझेगा, काम करने से अच्छा समझेगा, तो बनवाइए, आपकी जिम्मेवारी है। और डीडी साहब से आंकड़ा ले लीजिएगा कि कितने पंचायत में बनना शुरू हो गया। 1.5 साल पहले हमें आए हैं, जहानाबाद में 50 पंचायत में बनवा गया है, बात समझे, तो इसको बनवाइए तुरंत। और स्वच्छता की आपकी क्या स्थिति है, स्वच्छता में डोर टू डोर कचरा प्रबंधन शुरू हुआ, ये स्टेज है, सबसे पहला स्टेज है स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति, वो भी आपने नहीं किया अभी तक। उसके बाद दूसरा है कि आपको जेम पोर्टल से परचेज करने का सामान, वो भी आपने नहीं किया अभी तक। और तीसरा है कि बना के करके स्टार्ट करा देना है। कितने पंचायत में शुरू हो गया दीदी साहब, बताइए अब क्या बोला इस मन से, बताइए क्यों। तो हम आज जानते तो हम आते ही नहीं यार, अब ये बताइए कि आप बैठिए, आप ये बताइए आप हमको कि 38 पंचायत में फर्स्ट फेज में जिला से लिया गया, 37 पंचायत में शुरू हो गया, आपके पंचायत में नहीं शुरू। देखिए मैं सभी लोगों को यह बात कह रहा हूं, मैं अपने अधिकारियों को भी कहता हूं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो भी हमारा पार्ट है, विकास में और अन्य चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर में, हर जगह हमारे पार्ट है। जैसे ही आप जनप्रतिनिधि बनते हैं आप एक सरकारी सेवक हो जाते हैं, और मैं सभी लोगों को कहता हूं कि न मैं प्रणाम करने से खुश होता हूं, न मेरे आओ भगत आप करेंगे तब मैं खुश होऊंगा, मैं उसी व्यक्ति से खुश होता हूं, उसी अधिकारी से खुश होता हूं जो काम करते हैं। आप काम नहीं करेंगे, आप कुछ भी हो, हम आपको प्यार नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने मंच बना दिया, लगा दिया, सोफा लगा दिया, कोई फायदा नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं। एक डीएम को आपने देखा है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखा, इस लेवल तक काम करते हैं। एक एक व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं, एक एक गरीब से मिलते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, काम करते हैं। और जो काम आप लोगों को करना है, पंचायत स्तर का काम है, पंचायत सचिव कहां है, पंचायत सचिव कहां है, इधर आओ, तुम जाकर बैठ जाता है। मेरा कहना है कि ये अभी सरकार की सबसे बड़ी, सबसे मतलब प्रायोरिटी की योजना है कि सभी पंचायतों में शहरों की तरफ सारी शहर की सुविधाएं हम लोगों ने दे दिया। अब जैसे शहर में कचरा प्रबंधन होता है, हर घर से कचरा निकलता है, जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, तब तो साफ सुथरा रहेगा, क्यों नहीं शुरू कराए। अरे हम यहां की बात कर रहे हैं, 3 दिन में इसको शुरू करेंगे, 3 दिन के अंदर सारा करके। और
समाज का खरीदारी का क्या है? जो जो आपने डिमांड लिखा था वो हम लोग उस पर बात हम लोग की हो गई। सोलर लाइट यूनिट आपने लिखा, इसका क्या मतलब है? उसके लिए मालूम है कितना जमीन चाहिए? 50 एकड़ जमीन चाहिए, है आपके पास? 50 एकड़ जमीन दीजिए, हम लोग धरारा में एक लगवा रहे हैं, एक संग्रामपुर में भी सोच रहे लगवाने का, तो 50 एकड़ दीजिए जमीन लगवा देते हैं। 50 एकड़ जमीन चाहिए उसके लिए, तो हम लोग लगवा दें। और अभी जो स्कीम आया है प्रत्येक पंचायत में 10 लगना है ना, 10 स्ट्रीट लाइट, तो प्रत्येक वार्ड में, तो वो आप लोग खोज लीजिए, चौराहा तिरोहा खोज लीजिए और खोज के उसको जल्दी लगवाइए। इसमें कम समय एक नंबर हो जाइए ना, इसमें कम समय एक नंबर होइए। एजेंसी भी यहाँ नामित हो गया है, सब कुछ हो गया है। आप डीपीआरओ नहीं है, डीपीआरओ पंचायती राज जो मैडम है उनके संपर्क में आई, उसको देखो एक में पिछड़ गए स्वच्छता में, ये वाला काम करा दो कम से कम। और एजेंसी नामित हो गया है जिले, मतलब वो स्टेट से एजेंसी आ गया है, एजेंसी आ भी गया है, समझ गया। डीपीआरओ से बात कर लीजिए और बात करके कम से कम इसमें इनको फर्स्ट कराइए सोलर लाइट में, तुरंत शुरू कराइए। और उसमें पॉइंट भी चिन्हित है, मतलब आपको अब दाएं बाएं नहीं जाना है। वो सर्वे जो हम लोगों ने कराया था उस सर्वे में सब पोल चिन्हित है, किस पोल पे लगाना है। बिजली विभाग भी एनओसी दे चुका है, अब उसको करा लीजिए, रोशनी हो जाएगा। और जगह अगर खोज दिया तो हम लोग प्लांट लगवा देंगे। ये मुन्नी देवी जी ने दिया है, सामुदायिक भवन कहां बनवाना है? कभी सुने कि आदमी डिस्टर्ब होता है, कभी जमीन डिस्टर्ब होता है, तो हम नहीं सुने जमीन डिस्टर्ब होता है। मेरे भगवान नहीं मालिक है। देखिए फिर हम आप लोग कह रहे हैं, हम आप लोगों के इस मत में, इस में हम सहमत नहीं है। जानकारी नहीं है कि कौन क्या, सब चीजों के लिए जनता मालिक, कोई भगवान वगैरह मालिक नहीं है, हम जनता मालिक है। अगर शिक्षक है, अच्छा एक बार बताइए, इधर 2-4 महीने में कुछ सुधार हुआ है विद्यालय में? तो सब लोग लगा तो सुधार हुआ। अब आप लोगों को डेली देखना है, सबसे पहला चीज देखना है कि स्कूल बच्चे चले जाएं, दूसरा देखना है कि शिक्षक वहां पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, विद्यालय संचालन समिति बनाया, जो काम हम लोग आगे करते हैं बच्चों से पूछते हैं कि कौन टीचर अच्छा है, कौन टीचर खराब है, कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, बच्चों का पूछ देते हैं कि गुना भाग आया कि नहीं, हिंदी लिख पा रहा है कि नहीं, इंग्लिश समझ पा रहा है कि नहीं, देश विदेश जानता है कि नहीं। वो काम पंचायत से, हमारा जो विद्यालय शिक्षण समिति है उसको करना है। और साथ में पंचायती राज में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत मुखिया जी हो गए, हमारी पंचायत समिति सदस्य हो गए, इन लोगों को देखना है। और इसके बाद आप सब लोगों को देखना है जो गार्जियन वहां है, हर एक गार्जियन को, इसके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं उनको जाके विद्यालय का विद्यालय को देखते हैं। और झगड़ा नहीं करना है, जाइए देखिए समझिए, नहीं पढ़ाते हैं आप शिक्षक के बारे में रिपोर्ट करिए। शिक्षक अब आने लगे ना कि नहीं आ रहे हैं? 19 शिक्षक है, एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति है, 18 शिक्षक। आप लोग ऐसा करिए सोम किसी दिन एडम जाइए और देख के बताइए कि सभी शिक्षक हैं कि नहीं, हवा बात नहीं करिए, समझ गए ना आप, जाइए। हमारे नजर में अब के आज के समय किसी भी शिक्षक को यह हिम्मत नहीं है कि वो बिना स्कूल आए, पढ़ाना अलग बात है, स्कूल आए उनको सैलरी मिल जाए। आपका बच्चा पढ़ता है वहां? इनका बच्चा पढ़ता है जिसे 1000 रुपया लिया चाहिए, बोलिए अभी जो बोलना है चाहिए। आप बुला के हमको अवगत कर दिए अपने लिए। ये चार ये चौकू जींस आर्या लिया गया, ठीक है, नाम लिख के आवेदन दे दीजिए मेरे नाम से दीजिए कि ऐसे ऐसे हम चारों लोग से 1200 रुपया ये दिया है। हाँ, और कैश मेमो नहीं देता है, ठीक है, ये बना के आप हमको दीजिए, आवेदन दीजिए, कल सुबह हमको मिलना चाहिए, किसको आके दीजिएगा? तो आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सभी
विद्यालय में सभी वार्ड में टोला सेवक है, ठीक है, उसको सरकार पैसा देती है टोला सेवक को, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए प्रेरित करके। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित कहा है कि सभी शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार है कि बच्चों को गांव से लेके स्कूल जाए। तो इसमें जो विद्यालय संचालन समिति है और जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, इन लोगों को एक बैठक करनी चाहिए विद्यालय में अभिभावकों के साथ। आप लोग एक बैठक करिए और जिन बच्चों को रोड क्रॉस करने में दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत है, वो शिक्षक आएंगे, टोला सेवक आएंगे, शिक्षक आएंगे और उनको लेके जाएंगे, बात समझ गए, और निकलते समय फिर उनको रोड क्रॉस कराने के लिए वीसी लेके रहेंगे। आप लोग देखे प्राइवेट स्कूल में वीसी लेके लोग खड़ा रहता है, तो क्या हम लोग उनसे ज्यादा सैलरी हम लोग दे रहे हैं शिक्षक को, बात समझे, प्राइवेट टीचर को जितना सैलरी मिलता है उससे ज्यादा सैलरी हम दे रहे हैं। तो इन लोग की जिम्मेवारी है कि ये लोग सड़क पर रहेंगे और सड़क बच्चों को पार कराएंगे सुरक्षित, ये जनप्रतिनिधि लोग और जो हमारा विद्यालय संचालन समिति है उनके माध्यम से इसको आप लोग सुनिश्चित कराइए। इस पंचायत में हम लोगों ने दिव्यांगों का सर्वे कराया और इसमें 120 दिव्यांग पहले से थे जो हमारे रजिस्टर्ड थे, हमारे जो पहले हम लोगों ने सर्वे करवाया था 6 महीना पहले उसमें, और 14 और दिव्यांग मिले जिनका आवेदन हम लोगों ने भरवा दिया है और 1 से 2-1.5 महीने के अंदर इन लोगों को भी दिव्यांग पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें 78 का यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है, बाकी का जो यूडीआईडी कार्ड है वो तुरंत आप लोग बनवाइए, ये हमारा दिव्यांग कोषांग है यहाँ पे जिला दिव्यांग कोषांग, वो लोग करके इसको प्रत्येक ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ इस काम के लिए, वृद्धा पेंशन और कोई भी विधवा किसी भी उम्र की विधवा है उनको भी पेंशन मिलता है। तो उसमें भी अगर किन्हीं को नहीं मिल रहा है पेंशन तो आप लोग अप्लाई करिए। साथ ही साथ आंगनवाड़ी और अस्पताल से अनेक तरह की योजनाएं चल रही हैं। प्रथम जो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए मातृवंदन योजना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, उसमें भी आप लोग आवेदन करा के और निश्चित रूप से उसका लाभ आप लोग लीजिए। पंचायत की स्थिति जो मैं अभी तक देख पाया मोर एल एस अच्छा है, अच्छी स्थिति में है। जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं वो हम लोगों ने नोट किया है और उसको हम लोग करेंगे।